अगर आप एक ईपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम ईपीएस कंपनियों ने ऑल ओवर इंडिया आईडी क्रिएशन को बंद कर दिया है बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने की वजह से। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, किसी के भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी भी ईपीएस कंपनी को भेजकर वो आईडी क्रिएट करवा लेते हैं। आईडी क्रिएट करने के बाद उनकी ईकेवाईसी भी करवा लेते हैं और प्रॉपर आईडी एक्टिवेट होने के बाद, यानी कि आईडी के एक्टिवेट करने का जो जेन्युइन प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आईडी एक्टिवेट होती है, फिर उस आईडी के थ्रू दनादन फ्रॉड होना शुरू हो जाता है। तो यही मेन कारण था उन सभी ईपीएस कंपनियों का जो ऑल ओवर इंडिया में आईडी को क्रिएट कर रही थी। अब सभी कंपनियों ने ऑल ओवर इंडिया आईडी क्रिएशन को बंद कर दिया है। ऑल ओवर इंडिया आईडी क्रिएशन का मतलब यह नहीं है कि अभी किसी भी स्टेट में आईडी क्रिएट नहीं हो रही है, सभी स्टेट में आईडियां क्रिएट हो रही हैं। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो इससे पहले हम क्या करते थे कि रॉयनेट कंपनी की हम ऑल ओवर इंडिया में आईडी को अच्छे से क्रिएट कर पा रहे थे, हमारे पास सभी स्टेट्स खुल रही थी हमारी आईडी पर। लेकिन अभी क्या है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो काफी टाइम से सिर्फ मेरे पास यूपी का ही लाइसेंस है, यानी कि मैं सिर्फ ऑल ओवर यूपी में ही आईडी को क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद भी हम ऑल ओवर इंडिया में कुछ स्टेट्स में आईडी को प्रोवाइड करा रहे थे रॉयनेट कंपनी की। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि अभी भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, गलत लोग हमें कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और किसी न किसी दूसरे पर्सन के डॉक्यूमेंट्स हमें भेज देते हैं और जाने अनजाने में उनकी आईडी हमारे थ्रू क्रिएट हो जाती है। आईडी क्रिएट होने के बाद प्रॉपर वो उस प्रोसेस को करते हैं जिस तरीके से आईडी को एक्टिवेट करवाया जाता है, यानी कि आईडी एक्टिवेट होने के बाद धनाधन उस आईडी से फ्रॉड होने लगते हैं और फिर हमारे पास बार बार कंप्लेंट आने लगती है, जिससे कि हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि भैया अब हम ऑल ओवर इंडिया में आईडी किसी को भी देने वाले नहीं है। खासतौर से मैं आपको बता दूं, जहां से सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉल्स आती हैं, जहां से कंपनी भी कहती है कि भाई इन स्टेट्स में आईडी आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, आपका अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप बताइए और उसको ये एजुकेशन दीजिए कि आपको किसी की भी आईडी क्रिएट करने से पहले ये जानना होगा कि इस बंदे को आप प्रॉपर जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप उसके यहाँ पर जाकर विजिट करिए, विजिट करने के बाद उसकी आईडी को क्रिएट कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ ये बताने वाला था कि ये चार स्टेट्स में आपको ऐसे बताने वाला हूँ ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पर अभी भी लोग बिल्कुल भी बंद नहीं हुए हैं फ्रॉड करना। सबसे ज़्यादा जो घटनाएँ हो रही हैं ईपीएस के माध्यम से फ्रॉड होने की, वो बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से और वेस्ट बंगाल से। ये ऐसे चार स्टेट्स हैं जहाँ से लोगों ने अभी भी फ्रॉड को बंद नहीं किया है। कंपनियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा परेशान है। यानी कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो बिहार और वेस्ट बंगाल में हो रहा है, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद झारखंड आता है। तो इन सभी स्टेट से लगातार फ्रॉड की शिकायतें आ रही हैं, लगातार फ्रॉड्स की कंप्लेंट हमारे पास आ रही हैं। मतलब अब तक हमने झारखंड, बिहार में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में जितनी भी आईडियाँ क्रिएट की हैं उस पीरियड में जब ऑल ओवर इंडिया में आईडी क्रिएट हो रही थी, तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा कॉल्स हमारे पास कंपनी की तरफ से आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा फीडबैक ऐसे आ चुके हैं जहां पर हमको ये बताया गया है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके थ्रू जो आईडी क्रिएट की गई है, मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि हमने अगर 100 आईडियां क्रिएट की होंगी बिहार के अंदर, तो 100 आईडी में 60 लोगों ने फ्रॉड तो किया ही किया है। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी ज़्यादा हमें भी परेशानी होती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी परेशानी होती है, और फ्रॉड करने वाला तो फ्रॉड करके बस गायब हो जाता है, उसका फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी लगता नहीं है। किसी भी तरीके से हम ऑल ओवर इंडिया में कुछ स्टेट्स में आईडियां प्रोवाइड करा रहे थे रॉयनेट कंपनी की, बट अब हमने ये डिसीजन लिया है कि अब हमारे थ्रू सिर्फ यूपी में ही आईडी प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमें बिल्कुल भी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से हमारे रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी भी स्टेट से, जो इससे पहले आपने हमसे आईडी ले रखी है, आईडी से काम कर रहे हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आपका हो चुका है जिसको आपको सॉल्व करवाना है, तो उसके लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप न्यू आईडी लेना चाहते हैं रॉयनेट कंपनी की, तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप मुझे बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम सिर्फ यूपी के अंदर ही आईडी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि यूपी के अंदर फ्रॉड नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं यूपी में भी फ्रॉड होता है, बट इतना नहीं होता है। मतलब ऑल ओवर यूपी में अगर मैंने 500 आईडिया अगर क्रिएट किए हैं, तो उनमें से हो सकता है कि 20-25 लोग ऐसे हों जिन्होंने फ्रॉड किया हो, लेकिन इतना बड़ा रेशियो यूपी के अंदर नहीं है फ्रॉड करने का जितना कि बिहार, झारखंड, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। और जहां से सिर्फ रॉयनेट ही परेशान नहीं है, ऑल ओवर मतलब अभी तक जितनी भी ईपीएस कंपनियां फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, वो सभी कंपनियां इन चार स्टेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन सभी कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा बैंक एनपीसी की तरफ से डेली कंप्लेंट्स आती रहती
देती हैं। तो फाइनली एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आप रॉयनेट के AEP संचालक बनना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। रॉयनेट CSP ID आपको मिल रही है मात्र 299 रुपए में, तो जल्दी कीजिए, फटाफट कॉल कीजिएगा अगर आप रॉयनेट के AEP संचालक बनकर काम करना चाहते हैं। आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी रॉयनेट के साथ जुड़कर काम करने की, क्योंकि रॉयनेट के पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।